बंद हुई ना तो बोलो मत। हेलो हिमालय कैट स्नैक्स यहाँ पे ये आजकल पिछले साल भी मैं इसको यहीं से पकड़ के ले गया था। ये दुर्लभ सांप है। इसकी खासियत है कि ये जमीन पर नहीं रहता। इसको मैं जहाँ भी जंगल में छोड़ूंगा इसके आपको पेड़ पे चढ़ेगा। चिड़िया कौवा या जो भी पक्षी पेड़ों पर रहते हैं उनके बच्चों को खाता है। और हमारे यहाँ बहुत कम सांप मिलता है। अभी पहाड़ों से जो बारिश आई ये उसमें बह के आ गया। हल्का जहरीला है, काट ले तो कुछ नहीं होगा, बस 1000-2000 रुपये में आदमी ठीक होकर घर में आ जाएगा। इसको पकड़ ले गया पल्लू भाई की सूचना पर। इसकी आंखें, ये जो इसकी आंखें हैं, इसको इसकी आंखों कांडी से कैट स्नैक कहा जाता है। और हल्की सी इसके ये चोट भी लगी हुई है, यहाँ फंस गया होगा, इसके भी थोड़ा कैंजली है ना, इसके दवाई लगा दी जाएगी तभी उसको उसके प्राकृतिक में छोड़ा जाएगा। क्योंकि अगर इसको इस स्थिति में इसको छोड़ूंगा तो ये इसको चीटियाँ खा लेंगी और जो हमारी जीवन का एक उद्देश्य ने बचाने का वो सफल नहीं हो पाएगा। इसकी हरकत देखिए कैसे बिल्कुल काटने को तैयार है ये। मेरे से तो लंबा ही होगा। सांप को जब बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप की सूचना आप एक शार्ट को दें, वन विभाग को दें, हमें दें। आपसे भी छेड़छाड़ ना करें, खतरा हो सकता है। टेंशन है पूरे यूट्यूब में। मैंने फ़ोन किया था पहले भाई को, डोईवाला से कम 8 किलोमीटर दूर है। तो पहले भाई आए हैं, उन्होंने ये सांप पकड़ लिया। हिमालय कैटेगरी सांप था, जहर तो नहीं है परंतु डर तो डर ही है। तो वो आए, उन्होंने पकड़ लिए। ये हिमालय कैट स्नैक सांप है, हल्का जहरीला, अब पेड़ पर रहने वाला सांप है। बरसात हो रही है, इसको सुबह पकड़ा था, उसके प्राकृतिक वास में छोड़ा जा रहा है। क्योंकि ये यहाँ पर सुरक्षित भी रहेगा और शिकार भी करेगा। काफ़ी परेशान हो गया है ये भी, एक दो घंटे से हमारे पास ही है। उसको उसके प्राकृतिक वास छोड़ा जा रहा है।
ये देखिए साथियों, सांप अपने प्राकृतिक घर में चला गया। हमने आपको पहले बताया था कि ये पेड़ पर रहने वाला सांप है और पेड़ पर चढ़ गया। अब बारिश भी शुरू हो गई है जंगल में, हमें भी थोड़ा भिगने का स्वास्थ्य खराब होना खतरा है। सांपों से बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें। सांप को जो चुना आप एक शॉट को दें, उन भाग को दें, यहाँ दें, आपसे हम खतरा मोड़ना।